दोस्तों फाइनली हम लोगों का जो है रियलमी 3 प्रो डिवाइस पे कलरओएस 6 का दोस्तों एक नया अपडेट आ चुका है। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस अपडेट के अंदर क्या कुछ खास देखने के लिए मिल जाता है और दोस्तों किस तरह से आप उसको अपडेट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिंपल आप यूट्यूब पर जा सकते हो और यहाँ पर टेक्नो दुनिया सर्च कर लेना और नीचे पर रेड कलर पर सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कर देना और बाजू में जो बेल वाला घंटी आएगा इसको भी प्रेस कर देना ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पता चल जाए। और दोस्तों आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि मैं रियलमी 3 प्रो और भी बहुत सारे डिवाइस का टिप्स न्यूज का वीडियो बनाते रहता हूँ ताकि आगे चल के आप लोगों का फायदेमंद रहे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ सेटिंग्स के अंदर जाके इस अपडेट के अंदर नया कुछ क्या देखने के लिए मिल जाता है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर जैसे जाते थे यहाँ पे जो है बिल नंबर मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। इसमें जो है पहले क्या था 11_A उसके बाद 12 था, अब दोस्तों देख सकते हैं कलर वो 6-13 हो चुका है। उसके बाद फीचर्स की बात करें तो अपडेट का चेंज लॉग है, इम्प्रूव स्टेबिलिटी लिखा हुआ है, डिवाइस परफॉर्मेंस किस तरह से चेंज हुआ है मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इस अपडेट के अंदर जो खास चेंजेस किया गया DRM इन्फॉर्मेशन ऐप में जाके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो पहले जो DRM लेवल सपोर्टेड था वो L3 था, अब दोस्तों यहाँ पे L1 आ चुका है। जिन लोगों का पहले से L1 थे उन लोगों का कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, पर कुछ कुछ यूजर का दोस्तों L3 आ रहा था। तो माधव सरन जी ने जैसे बोला था कि वहाँ पे अपडेट देके L1 कर देगा या फिर जो DRM सिक्योरिटी लेवल है तो L1 यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, उसके बाद 960 FPS का जो अपडेट है पहले अपडेट में आ गया था, अब दोस्तों सेकेंड अपडेट पे 960 FPS तो अपडेट नहीं आया, पर स्टेबिलिटी जो है बहुत ही इंप्रूव हो चुका है सेट का। पर दोस्तों अभी भी यहाँ पे एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल 5 मार्च 2019 का दिख रहा है और वहाँ पे जो है एंड्रॉइड वर्जन 9 के साथ ही ये आता है कलरओएस 6.0 का जो है अपडेट है। और उसके बाद मैं आप लोगों को और एक चीज़ चेंजेस जो है मैं दिखा देना चाहता हूँ। सिंपल आप लोग जो है चीज़ नेविगेशन की के अंदर आपको जेस्चर के अंदर देखने के लिए मिल जाता था, तो दोस्तों शायद पहले ऑप्शन ही नहीं था। बैक ऑन बोथ साइड का जो ऑप्शन है यहाँ पे जो फास्ट वाला ऑप्शन देख रहे हैं दो तरह का, तो ये ऑप्शन पहले दोस्तों देखने के लिए शायद नहीं मिला होगा। आप मेरे को कमेंट करके बताएं आपके फ़ोन पे था कि नहीं। अब दोस्तों देख सकते हैं ये वाला पहले वाला ऑप्शन आ चुका है और इसमें से दोस्तों यही ऑप्शन मेरे को खास लगा। ठीक, जो दोस्तों क्यू में गया था उसका दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस अपडेट को पाने के लिए, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। 166 MB का जो अपडेट है जल्दी आपको भी डिवाइस उसके बाद दोस्तों रैम मैनेजमेंट की बात करें तो पहले दोस्तों बहुत ही कम रैम मैनेजमेंट मिलता था यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, अब दोस्तों बहुत ही आसानी 1.66 GB 1.90 GB के आसपास यहाँ पे जो है रैम फ्री मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छी बात होगा। और कुछ खास दोस्तों इस अपडेट के अंदर आपको चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेगा, आप मेरे को कमेंट करके बताना इसके सिवा छोड़ के और कुछ चेंजेस आप देख पा रहे हैं कि नहीं। और दोस्तों एक कुछ थोड़ा सा छोटा सा इन्फॉर्मेशन था रियलमी 3 प्रो डिवाइस का सेकेंड अपडेट के बारे में। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो भी कमेंट करके बात कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस तरह का टिप्स ट्रिक्स पाने के लिए, क्योंकि मैं दोस्तों रियलमी 3 प्रो का डिवाइस का बहुत सारा वीडियो आके लिए अगर दोस्तों लेके आने वाला हूँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। हैव ए गुड डे, बाय।